गाइस, अक्सर आप लोगों ने मुंबई के मरीन ड्राइव बीच पर कंक्रीट से बने इन पत्थरों को रखा देखा होगा। इसके अलावा और भी समुद्र तटों पर ये पत्थर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पत्थर समुद्र के किनारे क्यों रखे गए हैं? क्या ये पत्थर सिर्फ समुद्र के किनारों की शोभा बढ़ा रहे हैं या इसके पीछे कोई और साइंस है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। गाइज, आप ये तो जानते ही होंगे कि समुद्र के किनारे हमेशा हाई टाइड का खतरा बना रहता है, जिस दौरान समुद्र की लहरें बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और ये अपने बीच में आने वाले किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती हैं। ऐसे समुद्र तट जो शहरों से लगे हुए हैं और जिन तटों के किनारे कोई निर्माण बना हुआ है, जैसे समुद्री दीवार, ये दीवार हाई टाइड के दौरान समुद्र की लहरों का पानी रिहायशी इलाकों में आने से रोकते हैं। ये निर्माण लंबे समय तक लहरों की चपेट में आने से धीरे धीरे नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें डायरेक्ट इनको हिट करती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इन तटों की सुरक्षा के कुछ उपाय किए जाएं। टेट्रापॉड्स समुद्र की लहरों से तटों की सुरक्षा में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इनको सन 1950 में फ्रांस में विकसित किया गया था और अपने प्रभावशाली उपयोगिता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। मुंबई के मरीन ड्राइव बीच पर लगभग 6500 टेट्रापॉड्स का यूज किया गया है, जो सन 1950 के अंत में फ्रांस से ही बुलवाए गए थे। जापान जैसा विकसित देश अपने समुद्री तटों के लगभग 50% हिस्से में, यानी 35,000 किलोमीटर लंबाई पर टेट्रापॉड्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जापान में अक्सर छोटे मोटे भूकंप आने के कारण लहरें काफी तेज हो जाती हैं, जो तटों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। आखिर ये टेट्रापॉड्स कैसे समुद्री लहरों से तटों की सुरक्षा करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। टेट्रा का मतलब होता है चार, यानी यह चार पैरों वाला कंक्रीट से बनी एक संरचना है। जब समुद्र के किनारे टेट्रापॉड्स का यूज नहीं किया जाता है, तब समुद्र की शक्तिशाली लहरें किनारों को डायरेक्ट हिट करके तटों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब इन टेट्रापॉड्स को समुद्र के किनारे यूज किया जाता है, तब शक्तिशाली लहरें इन कंक्रीट से टकराकर कई दिशाओं में बढ़ जाती है, जिससे इन लहरों की प्रचंड शक्ति बर्बाद हो जाती है। इनकी डिजाइन इस प्रकार से की गई है कि ये आपस में ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं और अपनी जगह से हिले बिना बड़ी से बड़ी लहरों की शक्ति को कम करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इन टेट्रापॉड्स को समुद्र के किनारे क्यों यूज किया जाता है। हे गाइस, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।